एक फोटो बनाने से लिख ठीक हो किसकी बात नहीं बैठा बीमार भी हो रही हूँ तकलीफ हो रही है मुझे मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देता बहुत परेशान है आप बहुत जी क्या हुआ आपके साथ मेरे साथ ही हुआ मुझे जो नहीं 31 तारीख को तलाक देकर गया जी तलाक देकर गया गया मैंने दूसरी शादी कर ली मुझे तेरे साथ रहना नहीं है उसे सजा इस चीज़ की ज़रूर मिलनी चाहिए पुलिस वाले कोई भी इंक्वायरी नहीं कर रहे मैंने उससे जो ना एप्लीकेशन दिलवाई थी थाने में भी गई थी थाने में कुछ नहीं करा किसी ने कौन लोग क्या नाम था उनका जो आपको छोड़ गए परवेज मेरा घर वाला था छोड़ के गया बस रेडी का है तो आप क्या जानते हो जी मैं रहने वाली तो हापुड़ की हूँ बेटी तो ब्याही हूँ मैं ससुराल में बस रेडी आपकी शादी कब हुई थी 8 साल पहले हुई थी 4.5 साल का मेरा बेटा है जी तो साहिल नाम है साहिल तो आपको परेशान करते हैं जी परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा मारपीट भी करते मारपीट करते हैं बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगते हैं मुझसे नु कहते हैं 10 लाख दे दे मैं तेरे पास रहूँगा ना तो वरना छोड़ कर जा रहा हूँ मैं तुझे अच्छा आपकी शादी जो हुई थी वो अरेंज मैरिज हुई थी जी लव मैरिज हुआ था कोर्ट मैरिज भी निकाह भी हो रहा था सब कुछ तो जब भी उसके बाद किस चीज़ से होती है किस मेरा भैया ये काम करा कर रहे थे कपड़े का दोनों एक जगह मेरे भैया ने निकाह करवाया था मेरा जी तो कितने परेशान है आप क्या बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो है ना बोतल भी लग रही है मैं बीमार इतनी हूँ नू कह रहा मर जाए इससे बढ़िया तो तू मर जाएगी मेरा पीछा छूट जाएगा जी मुझे बहुत बुरा कहता है पुलिस को तहरीर दी आपने जी दी थी उन्होंने कुछ नहीं करा किसी ने कुछ नहीं करा अब क्या चाहते हैं आप उसे सजा मिलनी चाहिए मैं ये चाहती हूँ सजा ज़्यादा इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए जो इंसान दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए जो दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करता फिर रहा है इंसान 8 साल वैसी मामूली बात थोड़ी किसी की ज़िंदगी से खेलना ज़िंदगी से इंसान की परेशान करना किसी को 4.5 साल का मेरा बच्चा है मैं दुनिया में क्या जाऊँ कहाँ मरूँ मैं जाके मामला यह है कि 7 तारीख को एक प्रार्थना पत्र श्रीमती फिरदौस द्वारा अपने पति परवेज जो है यूपी के रहने वाले हैं उनके खिलाफ दिया गया था जिसमें इसका जो परवेज का नेचर है वो ये बताया गया है कि लगातार शादी करता रहता है और फिर तलाक दे के जो महिलाएं हैं उनको छोड़ देता है फिर उनकी कोई खबर नहीं लेता ये जो महिलाएं हैं महिला फिरदौस है जो तो इसने सारी जो मामला है वो आकर हमको बताया था तो इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र जो 3 तलाक कानून है उसके अंतर्गत दिया गया था और जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि उसमें तत्काल ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए लेकिन अभी तक ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और उसमें एक सेक्शन भी दिया हुआ है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अगर न्यायालय में भी बेल डाली जाती है तो उसको तब तक नहीं कोई सुनवाई की जाती जब तक कि न्यायालय भी पीड़िता का पक्ष ना सुन ले तो ये बहुत ही जो महिलाओं के प्रोटेक्शन का जो अधिनियम है वो है महिलाओं का जो विवाह संरक्षण अधिनियम है ये इसको लागू किया गया है लेकिन इसमें जो इसके फैक्ट है जो इसकी देखिए स्थानीय पुलिस द्वारा जो है ना समय समय पर एक लापरवाही बरती जाती है कि जो क्राइम है उसके द्वारा वो उस क्राइम की जो सूचना दी जाती है उसको दर्ज नहीं किया जाता तो इसको दर्ज किया जाना था और हमारे जो उत्तराखंड की ही श्रीमती शायरा बानो है उन्हीं के जो अथक प्रयास रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक वो गई हैं अपने 3 तलाक के मामले को लेकर और तभी केंद्र सरकार ने कानून बनाया था लेकिन अब भी ये देखा जा रहा है कि 3 तलाक की जो एप्लीकेशन जाती हैं उनकी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो मेरी यही कहना है जो जिले के हमारे SSP साहब हैं अभी नवनियुक्त हैं लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके संज्ञान में भी मैं ये बात डालना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो लापरवाही हो रही है उनको संज्ञान में लें तुरंत जो इस तरीके का अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं के प्रति अगर अपराध में प्राथमिकता ही दर्ज नहीं होगी FIR ही दर्ज नहीं होगी तो फिर जो इनके प्रति अपराध करते हैं उनके हौसले बुलंद होंगे।